तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आप सभी लोग जो है मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का टाइटल थंबनेल आपने देखा होगा कि आज मैं किस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा होने वाला है मीशो के अकॉर्डिंग। मीशो पर देखिए, आप शॉपिंग करते होंगे, मीशो पर आपको शॉपिंग करते समय कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, हो ना ऐसा ना हो, लेकिन कभी भी हमें प्रॉब्लम उस पर देखने को मिलती है। जैसे ऑर्डर के अकॉर्डिंग या रिफंड रिटर्न के अकॉर्डिंग, तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो प्रॉब्लम आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी मीशो कस्टमर केयर की। मीशो कस्टमर केयर तो आप, मैंने आपको नाम बता दिया, लेकिन उनसे कांटेक्ट कैसे करोगे और कैसे किया जाता है, आज की वीडियो पे आपको ये बताने वाला हूँ। तो वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास, इसलिए वीडियो कंप्लीट वॉच करना बिना स्किप किए। उससे पहले एक छोटा सा काम जरूर रहता है, यदि हमारे चैनल पर आप लोग नए आए हो या चैनल को पहली बार देख रहे हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसा कॉन्टेंट, ऐसी वीडियो आपको हमारे चैनल पर ही देखने को मिल जाती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आप लोग मीशो पर आ जाते हो, उसके बाद आप सभी के सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर आपको देखिए, ऊपर की साइड आपका लोगो दिख रहा होगा, जहाँ हेलो करके लिखा हुआ है। आपको सिंपल सा अपने लोगो पर क्लिक करना होगा। यहाँ जैसे ही क्लिक करोगे तो देखिए बहुत सारे ऑप्शन, एक नया पेज आप सभी के सामने आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए फर्स्ट पर ही एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, हेल्प वाला, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ। तो आप सिंपल सा हेल्प वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ क्लिक करते हो तो यहाँ पर देखिए, आपने जो रिसेंटली ऑर्डर किया होगा वो सबसे ऊपर देखने को मिलेगा, और बहुत सारे नीचे यहाँ ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे ऑर्डर स्टेटस, डिलीवरी रिफंड या पेमेंट रिटर्न या एक्सचेंज। तो इनको आपको सिलेक्ट नहीं करना, जैसा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ आपको उसको फॉलो करना है। तो यहाँ पर जो है नीचे देखिए, सबसे ब्राउज ऑल हेल्प टॉपिक्स, तो आपको सिंपल से उस पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ क्लिक करोगे तो जितने भी हेल्प आपको मीशो पर ज़रूरत पड़ेगी वो सभी यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो इनमें से एक टॉपिक को, आप एक रीजन को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। तो कोई सा भी रीजन आप यहाँ से ले सकते हैं। फिर यहाँ से देखिए, उसके अकॉर्डिंग एक रीजन आपको यहाँ दिया जाता है, तो आपको वो भी यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट हम यहाँ से भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए, एक नया पेज आप सभी के सामने ओपन होकर आता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, एक चैट वाला और एक कॉल वाला। अब आप लोग मीशो कस्टमर केयर से किस तरीके से बात करना चाहते हैं, चैट पर करना चाहते हो तो आप चैट वाला आइकन क्लिक कर लीजिए, यदि कॉल पर करना है तो कॉल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से कॉल वाले ऑप्शन में सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, हमारा जो है नंबर ओपन हो जाता है और कुछ लैंग्वेज ओपन हो जाती है। आप जिस भी लैंग्वेज में उनसे बात करना चाहते हैं, आप वो लैंग्वेज यहाँ से सेलेक्ट करना है। इस तरीके से मैंने देखिए हिंदी सेलेक्ट कर लिया इस तरीके से, और एक बार आपको अपना नंबर जो है चेक कर लेना है कि यही नंबर है जिससे आपकी बात होने वाली है। तो उसके बाद आपको सिंपल सा सबमिट वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग सबमिट करते हो तो आपका जो है 5 से 6 मिनट के अंदर पर आपके पास मीशो कस्टमर केयर से कॉल आएगा, और वो आपसे पूछेगा कि आपने किसके अकॉर्डिंग, पहले तो आप जो भी रीजन सेलेक्ट किए थे वो आपको बताएगा कि इस पर आपको क्या प्रॉब्लम है। तो आप कोई सी भी प्रॉब्लम को उनसे सॉल्व करा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में मैंने जो भी बताया, समझाया, आपको समझ पर आ गया होगा। यदि इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी कुछ हेल्प मिली हो, जानकारी अच्छी लगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसा कॉन्टेंट, ऐसी वीडियो आपको हमारे चैनल पर ही देखने को मिल जाती है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो पर।